क्या इस संघर्ष पार्टी का क्या उद्देश्य है, किन उद्देश्यों को लेकर काम कर रहे हैं? जनहित संघर्ष पार्टी का मुख्य उद्देश्य है किसी भी देश या प्रदेश का विकास सबसे पहले डिपेंड करता है एजुकेशन पे जी, और एजुकेशन के साथ साथ उसकी हेल्थ पे भी डिपेंड करता है कि बच्चों की अगर एजुकेशन अच्छी चाहिए तो उनकी हेल्थ भी अच्छी होना चाहिए। बीइंग ए डॉक्टर, मैं चाहता हूँ कि मैं ये दो मुद्दों पे बहुत अच्छे से काम करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश का हाल बहुत ख़राब है, मध्य प्रदेश एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे है जी, और हेल्थ के मामले में भी बहुत पीछे है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बलात्कार होते हैं, मध्य प्रदेश में स्कूल के नाम पर सिर्फ स्कूल हैं, मध्य प्रदेश में उनमें बिल्डिंग नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग नहीं है मध्य प्रदेश में, और इवन अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के कर्मचारी जिनको हम शिक्षक कहना चाहिए उनको एडॉक पर रखा हुआ है, संविधान नियुक्ति पर रखा है, 2,500 रुपये उनको तनख्वाह दे रहे हैं जिन्हें प्रेरक के रूप में बोले। यस यस, और वो कई दिनों से बेचारे जो है आंदोलन कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री साहब सुनने को तैयार नहीं है। बेचारी महिलाएं हमारी बहनें हैं सिर मुड़वा रही हैं और वो कह रही हैं हमारी जो जायज मांग है वो तो मान लीजिए, वो बेचारे बच्चों को अपने बच्चों को छोड़ के दूसरों के बच्चों को पढ़ाने आती हैं, अपना सब कुछ गिरवी रख के उनको 2,500 रुपये दिए जा रहे हैं। शिवराज सिंह एक बहुत बड़ी कहावत बोली थी, अभी शायद यूएसए गए थे, यूएसए में उन्होंने बोला था कि यूएसए से अच्छी सड़कें मध्य प्रदेश की हैं, तो शायद मुझे लगता है कई बार जाने अनजाने में सही बात मुँह से निकल के आ जाती। उन्होंने बोला कि सीएम बंगले से लेके और उनके जहाँ मुख्यालय वहाँ तक की रोड उन्होंने अमेरिका जैसी बनवा दी है, बाकी जगह वो जाते ही नहीं तो उनको पता कैसे लगेगा कि रोड कैसी है। तो हमारा मेन मुद्दा है हम एजुकेशन पे काम करेंगे, हम शिक्षा पे काम करेंगे और शिक्षा सबके लिए बराबर होगी और फ्री शिक्षा होगी। डॉक्टर साहब, जब शिवराज चौहान जी जब चुनाव लड़ रहे थे और जब कंपेनिंग कर रहे थे तो वो मध्य प्रदेश की सभी बहनों के वो भाई बने थे, आज वही उनकी भांजियां और आज उन्हीं के भांजे वो रोड पे आके सिर मुड़वा रहे हैं, तो एक तरफ वहां जाके कहते हैं कि हमारी अमेरिका जैसी सड़कें हैं। सर ये बहुत घटिया किस्म की राजनीति है, ये घटिया लोग घटिया किस्म की राजनीति करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के लिए भी कुछ नहीं सोचते, वो देश के लिए तो क्या सोचेंगे। वो देश के लिए अगर सोचना है तो भाई ये सब चीजें इस टाइप की नौबत आनी ही नहीं चाहिए। एजुकेशन एक ऐसी चीज होती है जिससे देश का विकास होता है। मैं तो जितने भी युवा हैं वो धर्म को छोड़ के जाति को छोड़ के सिर्फ देश के लिए सोचें और देश के लिए उन्होंने क्या काम करना है उसको लिए आगे बढ़ें। वो किसी ऐसा नहीं कि हमारी बिरादरी का आदमी हमें इसको वोट देना है या ये पार्टी हमारी पार्टी इसको वोट देना है, पार्टी की विचारधारा क्या है उसको देखते हुए वोट करना चाहिए। मैं युवाओं जितने भी युवाओं उन सब लोगों से ये आग्रह या आह्वान करना चाहता हूँ कि वो जात विशेष को और धर्म विशेष को ना देखते हुए देश के लिए देश के विकास के लिए वोट करें। सर 2019 का जब चुनाव आ रहा है क्या आपके राष्ट्र जनहित संघर्ष पार्टी क्या वो अपने कैंडिडेट उतारेगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम असल में उस तरीके से काम नहीं कर रहे कि हमें पूरे प्रदेश में इलेक्शन लड़ाना है, हमें सिर्फ नाम करना है, ऐसे नहीं कर रहे। हम सिर्फ रूट लेवल पर काम करेंगे, जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हमारी पार्टी अच्छे से काम कर रही है हम वहीं वहीं इलेक्शन लड़ेंगे। बाकी सब जगह अभी हमारा 47 सीट जो है वो आदिवासी बहुल एरिया है जहाँ पे आदिवासियों की बहुत बुरा हाल है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने उनकी लैंड ले लेती है और उनकी रॉयल्टी देने की बात नहीं करती है और उनको एज ए नक्सलाइट बोल के उनको मार देती है, और जबकि उसको कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी भी पार्टी ने उनकी सुध नहीं ली। हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि हम उनके एरिया में उनको प्रतिनिधित्व दें और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पे लेंगे। सर जब आप चुनाव लड़ेंगे, आप पार्टी से चुनाव लड़ाएंगे तो आपके वोटरों के बीच में जाने के लिए क्या मुद्दे होंगे? सर मेन मुद्दा हमारा यही होगा उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, लोकल लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं हम उन पे काम करेंगे और उनको उनको लीड करने के लिए बोलेंगे कि हम वैसे नेता नहीं उठाएंगे जैसे बाकी पार्टियां उठाती हैं। कौन पैसे वाला आदमी है उसको टिकट दे दिया, उसने पार्टी को कितना फंड दिया उसके अकॉर्डिंगली उसको टिकट दे दिया, हम ऐसे नहीं करेंगे। हम वहीं से देखेंगे कोई भी गरीब आदमी जो समाज के हित में काम करता रहा है, उसका बैकग्राउंड कभी सामाजिक रहा है, तो उसी को हम टिकट देंगे और उसी को हम लड़ाएंगे, और क्योंकि वो तभी वो जिसको दर्द होता है जो गरीबी देखी होती है वही गरीबों के लिए काम करेगा। सर बीजेपी की सरकार है केंद्र के अंदर भी और आपका मध्य प्रदेश के अंदर भी, सब कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। सर ऐसे बीजेपी तो सबको बोलती है, सबका साथ तो लेती पर सबका विकास नहीं करती है। लोगों को ये गलत फहमी है कि सबका साथ सबका विकास, सबका विकास कर रही होती तो आज मध्य प्रदेश की हालत और बाकी प्रदेशों की हालत इतनी खराब नहीं होती। डिमोनेटाइजेशन में 100 से ज़्यादा लोग मर गए है ना, अभी क्या नाम है आपका ये जीएसटी में लोगों की समझ में ही नहीं आ रहा है क्या जीएसटी कैसे पे करना है। ये सिर्फ फंड जनरेट करने के लिए अपना जितना भी एक्टिविटी कर रहे हैं बीजेपी के लोग वो कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है।